तो गाइस फाइनली रेडमी ने Xiaomi ने Mi 12.5 की पब्लिक अपडेट यहाँ रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं आपको सेटिंग में लेकर यहाँ पर अबाउट फोन में दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं मेरे फोन में यहाँ पर Mi 12.5.1 की अपडेट हमें देखने को मिला था। पर दोस्तों अगर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ तो अभी हमें यहाँ पर Mi 12.5.2.0 की अपडेट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर आपके फोन में ऑलरेडी Mi 12.5 की अपडेट इंस्टॉल है यानी Mi 12.5.1.0 की अपडेट आपके फोन में इंस्टॉल है तो ये अपडेट आप लोगों को OTA 125 MB की देखने को मिलेगी। और अगर आपके फोन में पहले से Mi 12 इंस्टॉल है 12.5 इंस्टॉल नहीं है तो ये अपडेट आपको तकरीबन 800 से 900 MB की देखने को मिलेगी, 1 GB की भी हो सकती है। तो गाइस ये अपडेट मुझे Redmi Note 10 Pro Pro Max में देखने को मिला। पर आज की इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा किन किन डिवाइसेस को Mi 12.5 की अपडेट देखने को मिल चुका है, बाकी डिवाइसेस को कब तक देखने को मिलेगा और किस तरह दोस्तों ये अपडेट हमें रोल आउट हुआ है, सब कुछ के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट या सवाल है इस वीडियो को लेकर या फिर इस अपडेट को लेकर तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं एक बार फिर से आप लोग को सेटिंग में लेकर अबाउट फोन में दिखा देता हूं। तो हमें यहाँ पर Mi 12.5 की अपडेट देखने को मिल चुका है और दोस्तों ये अपडेट हमें पब्लिक अपडेट देखने को मिला है। मैं यहाँ पर डाउनलोड अपडेट लगा देता हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो मेरे फोन में यहाँ पर कोई भी आप लोगों को मी अकाउंट लॉगिन नहीं, यानी मेरे पास कोई भी टेस्टर वाला अकाउंट नहीं, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर कोई भी टेस्टर वाला अकाउंट नहीं है। और दोस्तों ये अपडेट जो मुझे देखने को मिला है बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट मिला, OTA ऑफिशियल वाला मिला है। और आपको ये फोन में दोस्तों ये अपडेट जल्दी देखने को मिलेगा, उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन डिवाइसेज में Mi 12.5 की अपडेट हमें देखने को मिला है, किन किन डिवाइसेज में रोलिंग आउट हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑफिशियल थ्रेड देखने को मिल जाता है ग्लोबल फोरम पे, इंडिया वाला फोरम, तो यहाँ पर मी कम्युनिटी बैन हो चुका है तो ग्लोबल फोरम में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस फोरम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों जब आप लोग इंडिया से इस फोरम को ओपन करेंगे तो आप लोग VPN से जरूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि इंडिया में मी कम्युनिटी बैन है तो हम लोग नॉर्मली इसे इंडिया के सर्वर से ओपन नहीं कर सकते। तो VPN से कनेक्ट करने के बाद आप लोग किसी बाहर कंट्री के एजेंट से कनेक्ट होने के बाद आप लोग इस थ्रेड को ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों इस थ्रेड को ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर लास्ट अपडेट हमें 5 जून को देखने को मिला है, यानी इस पेज को 5 जून को लास्ट अपडेट किया गया है और आज है 6 तारीख। तो जो इनके इस थ्रेड के जो ऑनर है वहां पे उनकी तरफ से ये पोस्ट देखने को मिल जाता है कि ग्रेट न्यूज, Mi 12.5 इज नाउ अवेलेबल ऑन मेनी डिवाइसेज। तो बहुत से डिवाइसेज को हमें देखने को मिल गया और ये अपडेट जो देखने को मिला वो वेब में यानी पार्शियल और स्टेजेस में देखने को मिला। तो सबसे पहले हमें मी सीरीज की डिवाइस देखने को मिल जाता है, रेडमी नोट सीरीज की डिवाइस देखने को मिल जाता है और पोको की डिवाइस देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर जो डिवाइस अभी यूज कर रहा हूँ, जो मेरे फोन में अभी यहाँ पर अपडेट देखने को मिला है वो दोस्तों आप लोगों को रेडमी नोट की सीरीज देखने को मिल जाता है, रेडमी नोट 10 की सीरीज देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर रिबूट अपडेट कर लेता हूँ, मेरा फोन यहाँ पर अपडेट अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सारी लिस्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ, चेकआउट करा देता हूँ किन किन डिवाइसेज को किस तरह से अपडेट देखने को मिला। तो दोस्तों मी सीरीज की बात करते हैं यहाँ पर, तो मी सीरीज से कौन कौन से डिवाइसेज को अपडेट देखने को मिला है। तो मी 11 अल्ट्रा जो यूरोपियन रीजन है, तो यूरोप में, ग्लोबल में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, रशिया में, इस तरह से बहुत से रीजन हमें देखने को मिलता है और सभी जगह से ये अपडेट हमें देखने को मिल गया। तो आप लोगों को मी वाई वर्सन भी देखने को मिल जाता है, सभी वर्सन आप लोगों को Mi 12.5 पे बेस है और स्टेटस आपको देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं स्टेटस मतलब रिलीज यानी इन सभी डिवाइसेज को रिलीज हो चुका है, यानी पब्लिक अपडेट देखने को मिल चुका है। और जहाँ पर मी पायलट 200 लिखा है वो सिर्फ टेस्टर को मिला और जहाँ पर पार्शियल लिखा है वो सिर्फ कुछ रैंडम यूजर्स को देखने को मिला है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे डिवाइस की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इंडिया में भी हमें अपडेट देखने को मिला है, इंडिया में दोस्तों मी 11X सीरीज की डिवाइस में अपडेट देखने को मिल गया। मी 11X आप लोग को IN देखने को मिल जाता है, यहाँ पर 12.5.1.0 के अपडेट देखने को मिल जाता है, मी सीरीज में मी 11X की डिवाइस को अपडेट देखने को मिल गया है। इसके अलावा दोस्तों रेडमी नोट 10 की सीरीज की बात करें तो रेडमी नोट 10 प्रो और मैक्स में देखने को मिल गया है, रेडमी नोट 10S इंडिया वाले दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स में Mi 12.5 की अपडेट देखने को मिलता है। तो इसमें हमें वर्षन भी आपको Mi वर्षन देखने को मिल जाता है। तो इंडिया वाले वर्षन की दोस्तों बात करते हैं हमें, तो Mi 12.5.2.0 की अपडेट हमें देखने को मिला, जैसा कि मेरे फोन में यहाँ पर देखने को मिल गया, मेरे फोन वहाँ पर अपडेट हो रहा है। और दूसरी जो डिवाइस है रेडमी नोट की सीरीज में वो आप लोगों को रेडमी नोट 10S देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको Mi 12.5.4.0 की अपडेट देखने को मिल जाता है। तो रेडमी और मी सीरीज की डिवाइस दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर आप लोग पोको की डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिस्ट को आप लोग लिंक को ओपन करेंगे तो आपकी पोको कम्युनिटी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी आप लोग को यहाँ पर मी कम्युनिटी ओपन हुआ तो आपके पोको कम्युनिटी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों पोको कम्युनिटी में जाने के बाद आप लोग को वहां से चेकआउट कर सकते हैं किन किन डिवाइसेज को किस तरह से अपडेट देखने को मिला है। तो गाइस अभी इंडिया में कोई भी पोको की डिवाइस नहीं है जिसमें Mi 12.5 की अपडेट मिला है, पर जल्दी दोस्तों पोको X2, पोको X3 और भी दीगर डिवाइसेज है, बाकी डिवाइसेज पोको के ही जिनमें हमें दोस्तों Mi 12.5 की अपडेट देखने को मिलने वाला। तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, अगर आप लोग मेरी वो वीडियो को नहीं चेकआउट किया तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। इसमें मैंने आप लोगों को पोको के बारे में सारी जानकारी दी है कि Mi 12.5 की अपडेट पोको के डिवाइस में कब तक देखने को मिल जाएगा और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में आप लोगों को बताया हूं। तो मैं इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप लोग उस वीडियो को चेकआउट करके जान सकते हैं पोको के डिवाइस में
कब तक अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ जो यहाँ मी सीरीज की डिवाइस देखने को मिला, जो रेडमी नोट की सीरीज की डिवाइस देखने को मिला, इन सभी डिवाइस में हमें अपडेट देखने को मिल चुका है, या तो पार्सल देखने को मिला, या पब्लिक देखने को मिला, या फिर जो टेस्टर उनको देखने को मिला है। तो इनके अलावा जो बाकी डिवाइसेज दोस्तों और जो भी डिवाइस एलिजिबल है मीओ 12.5 के लिए, उन सभी दोस्तों डिवाइसेज में हमें अपडेट आपको जून के सेकंड वीक से लेकर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जून के सेकंड वीक से दोस्तों उन सभी डिवाइसेज में हमें अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाया था यहाँ पर, तो मेरा फोन यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ये Redmi Note 10 Pro Max जो मैं हमारा फोन है यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। मैं आपको सेटिंग में लेकर अबाउट फोन में दिखा भी देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मीओ 12.5.2.0 की अपडेट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मीओ 12.5.2.0 की अपडेट में हमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बैटरी की क्या ऑप्शन देख, मतलब बैटरी की क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला, चार्जिंग की क्या स्पीड देखने को मिला, इस तरह के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस वीडियो को चेकआउट करके आप लोग मीओ 12.5.2.0 के बारे में जान सकते हैं कि मीओ 12.5.2.0 के अपडेट के बाद से हमारे Redmi Note 10 Pro में मैक्स में क्या इंप्रूवमेंट मिला है और क्या फीचर देखने को मिला।